समझेंगे। ज्योतिष हमारा किसी प्रकार कोई यह उद्देश्य नहीं है यह जानने का पैसा कब आएगा या पैसा नहीं आएगा, बच्चा कब होगा बच्चा नहीं होगा, यह सब जानने का मेरा उद्देश्य ज्योतिष है ही नहीं। ठीक है, ज्योतिष हमारा यह कहता है, ज्योतिष जो है हमारा यह कहता है हमसे, हमें आप जानो, अर्थात आप ग्रहों को यदि जानते हैं तो ग्रहों के अनुकूल आप अलाइन होते हैं, जैसा ग्रह है उसके अनुकूल आप अलाइन होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि भैया एक ग्रह मुझसे क्या कह रहा है। जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य हमारा आत्मा का कारक है, सोल का कारक है। ठीक है, हमारा जो आत्मा है उसका कारक सूर्य होता है। यदि आवाज नहीं जा रही होगी तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आत्मा का कारक कौन है, हमारा सूर्य है। तो हमारा सूर्य जिस भी भाव में जहां भी कुंडली में बैठा होगा वह काम मुझे करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग सभी के कुछ प्रश्न होंगे ग्रहों को लेकर, जैसा मैं ये सब जो भी बता रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे पंडित ये सब क्या बोल रहे हैं, हमारे तो ऊपर से निकल जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत समझेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे पास, आपके पास या किसी भी व्यक्तियों के पास प्रश्न लेकर आता है, ठीक है, क्या प्रश्न लेकर आ रहा है, वो यह प्रश्न लेकर आता है हमारे पास, पंडित जी मेरे पास पैसा कब आएगा, पंडित जी मेरा बच्चा कब होगा, पंडित जी मेरा विवाह कब होगा, बहुत सारी बातें होती हैं उनकी। तो मैं उसके अंतर्गत आपको बताऊं, जिनके भी ये सब प्रश्न होते हैं कि पंडित जी पैसा कब आएगा, पंडित जी आपके मेरे बच्चे कब होंगे, ये सब जो भी प्रश्न होते हैं वो क्यों होता है, इनसिक्योरिटी उनके पास अपनी इच्छाओं के लेकर, अब उनकी जो इच्छाएं होती हैं उन सभी इच्छाओं को लेकर वो इनसिक्योर हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है मुझे आएगा या नहीं आएगा। यदि वो सिक्योर है कि आएगा तो वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, यदि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें नहीं आएगा तो भी वह प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो प्रश्न क्यों हमसे पूछ रहे हैं, वो खुद इनसिक्योर हैं, वह खुद असुरक्षित हैं इन सभी चीजों को लेकर कि उनके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हम सभी का या हमारा यह मोटिव नहीं है, यह ये नहीं है हमारा, मैं उन्हें बताऊं पैसा कब आएगा या नहीं आएगा। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य होता है आपके ग्रहों को आपके बारे में बताना। जैसे जो हमारे ग्रह होते हैं वो हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, ज्योतिष में सभी ग्रह कुछ ना कुछ हमें बताने का प्रयास करते हैं, कुछ हमें बताते हैं। ठीक है, उसे यदि हम समझ लेते हैं अपने जीवन में खासकर, तो उससे क्या होगा, हम उन ग्रहों के अकॉर्डिंग, उन ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को जी पाएंगे, अपने जीवन को हम समझ पाएंगे। ठीक है, यह जीवन हमारे लिए क्या है और हमें क्या देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले नव राशियां हमारी हैं, यदि आपको लोग पेन कॉपी ले लें तो बेहतर होगा, कुछ चीजें जो आपको बेसिक हैं परंतु आपके जीवन में इस ज्योतिष के अंदर बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले हम लिख लेंगे। हमारी 12 राशियां होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 3 स्तंभ हमारे हैं। ठीक है, 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह। तो सबसे पहले हम 12 राशियों को समझेंगे, 12 राशियां हमारी क्या हमसे कहने का प्रयास करती हैं। जो 12 राशियां हैं उसे आप लिख लेंगे और एक लाइन से लिखना है। ठीक है, यह जो 12 राशियां हैं वो 1 से लेके 12 तक है, जैसे 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो ऐसे इसे सीक्वेंस वाइज लिखना है, अच्छे से लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक जो हमारी राशि होती है वह एरी अर्थात मेष राशि है। ठीक है, मेष राशि के बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप इन सभी 12 राशियों को लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। एक आपका मेष है, 2 में आप लिखेंगे वृषभ। ठीक है, दो के बाद हमारी तीसरी राशि आती है, यह मिथुन है। मिथुन के बाद चौथी हमारी राशि है जिसे हम लोग कर्क कहते हैं।
कर्क के बाद हमारी कन्या राशि है, कर्क के बाद हमारी सिंह राशि आती है। सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, लिखते जाएंगे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद हमारी आती है धनु, सैजिटेरियस। धनु के बाद दसवीं राशि जो है वह मकर है। ग्यारहवीं राशि जो हमारी है वह कुंभ है। और हमारी बारहवीं राशि जो है वह मीन है। ठीक है, तो इन सब जो 12 राशियां हैं यह सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे ज्योतिष में निभाती हैं। जैसे हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं या कुछ बातें होती हैं तो उसमें पूछते हैं ना, हाँ आपकी राशि क्या है, उनकी राशि क्या है, उनका राशि ऐसे होगा तो वो होगा, वो क्या है, इसे थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात और आप लोगों को बताऊं, आप लोगों की जो नाम से राशि होती है वह विशेष हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता है, विशेष जीवन में हमारा वह महत्व रखता है जो हमारे कुंडली के और हमारे कुंडली जातक के अनुसार जो बताया गया हो वह बहुत ही महत्व हमारे जीवन में रखता है। मेष के आगे हम लिखेंगे प्रशंसक, क्या क्या होता है मेष राशि वाले के क्या गुण होते हैं उसे लिखिए आप। प्रशंसक, क्यू एक्शन टेकर, तुरंत किसी चीजों को तुरंत लेने वाला, तुरंत डिसीजन ले लेने वाला मेष राशि के गुण होते हैं। प्रोटेक्टर और प्रशासक, अर्थात प्रशासनिक किसी कार्य में आप देखेंगे तो मेष राशि वाले अवश्य होंगे। और उनमें एक और गुण होते हैं मेष राशि वाले में, इसे आप समझेंगे भी, वह किसी प्रकार के कोई भी डिसीजन को तुरंत लेने में सक्षम होते हैं। अर्थात इनकी यह डिसीजन कभी कभी गलत भी इनके लिए साबित होती है और कभी इनके लिए अच्छी भी होती है। ठीक है, तो मेष में आपने लिखा क्यूक एक्शन टेकर, एडमायर अर्थात प्रशंसक, फिर आपने लिखा प्रोटेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वृषभ, वृषभ राशि के बारे में। वृषभ क्या है, वृषभ की जब आप आकृति देखोगे तो एक बैल है। ठीक है, तो बैल क्या है, हार्ड वर्कर है ना, हार्ड वर्क करता है बैल, बैल बहुत ज्यादा काम करता है, तो बैल एक हार्ड वर्कर के रूप में हमारा काम करता है, तो वह एक हार्ड वर्कर है, वह कंटिन्यू काम करता है, लगातार वह काम करता है, उसे हल के साथ यदि हम लगा देते हैं तो वह कंटिन्यू काम करता है। तो वृषभ जिनकी राशियां हैं या जो लग्न वृषभ है वो क्या है, एक लगातार काम करने वाला भी है। इसे इस प्रकार से भी हम समझेंगे, यदि कोई व्यक्ति जिसकी मेष है लग्न या मेष राशि है या जिसका वृषभ राशि है, वह व्यक्ति यदि इन सब चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे जिसका वृषभ राशि है और वह हार्ड वर्कर नहीं है, तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने उस राशि के अनुसार उसके रिजल्ट नहीं लिए, वह जो रिजल्ट उसे देना चाह रहा है जो राशि, उन्होंने उसको कैरी नहीं किया, उन्होंने उसको नहीं लिया, जिसके कारण उनके जीवन में समस्या आ रही है। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, ग्रह जो है वो हमसे कुछ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मिथुन पे, जेमिनी। मिथुन राशि की जब आप आकृति देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हमें दिखता है, मिथुन राशि किसी पर भरोसा नहीं करता है, एक उसमें बहुत बड़ी गुण होती है, मिथुन राशि किसी पर भरोसा नहीं करता है। मिथुन राशि में एक चीजें होती है, उसमें अंदरूनी शक्ति होती है। क्यों, क्योंकि यदि कोई प्रपोज किसी को कर रहा है, उसने हाँ या ना कुछ भी कह दिया, तो उसे झेलने की क्षमता उसमें है, इसलिए उसमें एक अंदरूनी शक्ति होती है। मिथुन राशि के पास हिम्मत भी होता है। एक बात पहले आप लोग बताइए, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं बताइए मुझे, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको को बताते जाऊं आप लोग के पल्ले ही कुछ ना पड़े।
जी धन्यवाद सर। उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि के पास क्या है, हिम्मत भी उसके पास है, इसे आप लिख लें तो बेहतर रहेगा। और मिथुन राशि के पास एक चीज बहुत बड़ी है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है मिथुन राशि के पास, वह उसमें त्याग है और सेक्रीफाइस बहुत करता है अपने जीवन में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, ऐसी आकृति है, ठीक है। तो यदि लड़का लड़की मना कर देती है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस भी मिथुन राशि करता है। उसके बाद आता है मिथुन राशि, जो डिसाइड कर लेता है ना मुझे ये करना है, वो करके रहेगा। उसमें एक और गुण है, मुझे ये करना है तो वह करके रहेगा, उसमें यह भी गुण होता है। उसके साथ हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो भी व्यक्ति आप लोगों ने देखे होंगे, उनमें एक और गुण होता है, वो ओपन हार्ट नहीं होते हैं, वो खुले विचार के नहीं होते हैं, अपनी सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, कुछ बातें ही आपको वह बताएंगे, सारी बातें वो आपको क्लियर नहीं करेंगे अपने मन के अपने दिल के। मिथुन राशि के पास खुद पे बहुत विश्वास होता है, जिनकी मिथुन राशियां होती हैं उन्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो भैया वो किसी को प्रपोज करने नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मिथुन राशि में एक गुण होने चाहिए, ठीक है, वह गुण होने चाहिए, वह यदि कहीं गिरता है तो वहां से उठकर सीखना होना चाहिए, उसे सीखना आना चाहिए, वो बेहतर है उसके लिए। ऐसे समस्या उत्पन्न उसके जीवन में होती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि जिनकी भी होती है, वह शिक्षा जो जगत है, शिक्षा जगत में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत मेहनती होते हैं, वह विद्वान होते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, मिथुन राशि वालों को अपनी जो रिलेशनशिप है उसे निभाने में थोड़ी समस्या होती है, ठीक है, उसे बनाए रखने का प्रयास वो करते हैं, उसे बना के चलने का प्रयास करते हैं कि मैं अच्छे से बनाकर चलूं, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलूं, परंतु थोड़ी समस्या भी उन्हें देखने को मिलती है। मिथुन राशि वाले में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस उनमें बहुत होती है मिथुन राशि वाले में या मिथुन राशि में। उसके बाद मिथुन राशि किसी बात को बोलेगा वो क्लियर आपको बोलेगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी, उसमें क्लियरिटी होगी, स्पष्टवादी वह होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि वह व्यक्ति थोड़ा अलग बोल रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो मिथुन राशि के गुण है, जो वह बोलेगा वह क्लियर बोलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, थोड़ा आप समझिए, आपने कुछ लिखा होगा, अब थोड़ा आप समझेंगे। मान लीजिए आपके कुंडली में मिथुन राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए शनि बैठा हो, शुक्र बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, ग्रह की बातें हम बाद में करेंगे, थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, तो जब तक उस ग्रह, जैसे शनि बैठा है तो शनि का काम है कर्म, आपका आपके कर्मों को देना शनि का काम है, अर्थात आपका जो प्रोफेशन, आपका क्या काम करेंगे वह शनि। तो शनि को यदि आपको ठीक रखना है, अपने काम को आपको ठीक करना है, तो मिथुन राशि में क्या है, वह गिर कर उठता है, अपनी गलतियों से वह सीख रहा है। तो आप जहां प्रोफेशन में आपको समस्या हो रही है वहां आपको अपनी गलतियों से सीखना है, यदि आप वहां सीख लेते हैं तो बन जाओगे, अन्यथा आपको समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, अपने रिश्ते को मधुर बना के रखिए, वो आपके लिए बेहतर बेहतर है। मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं, मिथुन राशि वाले लोगों की बात कर रहे हैं, मिथुन लग्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्हें संचार कौशल में बेहतर होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं तो उन्हें बेहतर होना चाहिए, क्योंकि तीसरा राशि कम्युनिकेशन का भी है। एक बात और मैं बता रहा हूँ, जिसकी भी मिथुन राशि आपके या आपके आसपास लोगों की होगी, यदि वो पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा लिखेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अपनी वो नोट्स तैयार करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं एक रेमेडी भी साथ में आपको दे रहा हूँ, खासकर मिथुन राशि वालों के लिए। अब मिथुन के बाद हम कर्क पे आते हैं। ठीक है,
कर्क राशि की आप लोगों ने कभी आकृति देखी हो या ना देखी हो तो मैं आपको बताऊं, कर्क राशि की आकृति एक मकड़ी की होती है। मकड़ी पता है आपको, मकड़ी जो होती है, मकड़ी की आकृति एक कर्क राशि की होती है। अब मकड़ी क्या करता है, अपने ही जाल में खुद फंस जाता है। मकड़ी अपने ही जाल में खुद फंस जाता है, और मकड़ी इतना जाल अलग प्रकार से बनाता है, आप यदि समझने का प्रयास करेंगे इसने जाल को शुरू कहाँ से किया आप समझ नहीं पाओगे। तो कर्क राशि क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, आप उसके बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। उसके बाद जब मकड़ी को आप देखोगे तो बाहर से आपको बहुत कठोर दिखेगी, परंतु अंदर से वो बहुत नरम है। तो कर्क राशि वाले जो होते हैं बाहर से बहुत कठोर आपको दिखेंगे, बहुत अकड़ू है भाई, थोड़ा साइड रहो इससे, परंतु अंदर से वह बहुत ही नरम होते हैं। कर्क राशि में बहुत अच्छी या मैं बहुत खराब गुण बताऊं आप लोगों को, कर्क राशि जिनकी भी होती है ना, जैसा नेचर रहेगा वैसा वो हो जाएंगे। जैसे वो जहां भी रहे वहां का जो ऑटो ऑटोस्फेयर है, वहां के जैसे कल्चर है वैसा वो ढल जाएगा। इसलिए कर्क राशि वाले को घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर में है तो घर घर की चीजों को ही पकड़ के वो रखेगा, वो आगे बढ़ बैठ चल नहीं पाएगा, आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए कर्क राशि वाले को घर को छोड़ देना चाहिए। अक्सर कर्क राशि वाले देखे गए हैं जिनकी कर्क राशि होती है, वह अपने घर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए बेहतर रहता है। क्यों, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है, ठीक है। तो मन तो आपका फिर भटकेगा ही। आगे हम बात करते हैं, कर्क राशि बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, उसमें संवेदनशीलता भी है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोई आसपास होंगे, आप उनसे रिलेट करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कर्क राशि वाले क्या बहुत संवेदनशील सेंसिटिव भी हैं। कर्क राशि वाले जो हैं वह अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल उनका लव होता है, वह उसमें शर्त नहीं रखते हैं। वो जो गाना आया था हमारा, एक बहुत ही पुराना गाना है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, वही है, यह शर्त पे प्रेम नहीं करता है, वह बिना शर्तों के प्रेम करता है, ठीक है। फिर कर्क राशि में एक और गुण है, यह आवश्यक प्रदाता है, अर्थात आवश्यक प्रदाता आप समझेंगे, किसी को कोई आवश्यकता पड़ गई हो, जैसे किसी व्यक्ति को आपके आसपास किसी के किसी को कोई आवश्यकता पड़ गई हो, वो दौड़ के चला जाएगा उसे उसकी जो आवश्यकता है उसे ठीक करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई व्यक्ति है, आपकी कर्क राशि है, मान आपके पास में कोई व्यक्ति है जिसे हॉस्पिटल जाना है, तो आप ये नहीं देखोगे कि भाई मैं लेकर जाऊं या नहीं, आप जाओगे तो लेकर चले जाओगे। क्यों किया, क्योंकि आपकी राशि कर्क है। जो मैंने पहले ही बताया, कर्क बाहर से कठोर होता है, अंदर से नरम होता है। क्या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, तो अवश्य आप मुझे बताएंगे। फिर कर्क राशि त्याग है, उसमें सेक्रीफाइस बहुत करता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कर्क क्या है, चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा माँ होती है, समझे हो। चंद्रमा का नाम चंद्र है, परंतु उसमें माँ लगा है, चंद्र माँ, तो माँ त्याग करती है। एक वही ऐसा एक व्यक्ति है जीवन में जो हमारे दुखों को या फिर हमारी जो समस्याएं होती हैं उन सब के लिए वह त्याग करता है। एक ऐसा ही व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, वो हमारी माँ है, और कर्क राशि उसी से रिलेट करता है, इसलिए यह त्याग कर रहा है, क्योंकि यह चंद्रमा से रिलेट कर रहा है। कर्क राशि देखभाल करने वाला भी है, केयर टेकर भी कर्क राशि होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण है, माँ के गुण कर्क राशि में है, इसलिए यह केयर टेकर भी है। फिर कर्क राशि में ममता भी होती है, आपका माँ बोलो, ममता तो सिर्फ माँ में होती है। तो कर्क राशि वाले आप कोई पुरुष भी देख लें, कोई जेंट्स भी देख लें, उनमें भी आपको मिल जाएगा कि यह जो राशि है वो कर्क राशि वाले हैं, क्योंकि इनमें ममता भी है, त्याग भी है। कर्क राशि में एक बहुत अच्छी गुण क्या होती है, यह इमोशनली अटैच बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी किसी भी चीजों में या इमोशनली अटैच हो जाते हैं।
यह जो है वो थोड़ा ये लगता है लोगों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं सबसे बड़ी रेमेडी बताऊं, सबसे बड़ा उपाय बताऊं, यदि यह इमोशनली अटैच नहीं किसी से होते हैं तो इनकी सभी समस्या ठीक है। यदि माँ हमारी हमसे इमोशनली अटैच ना हो तो माँ को कोई समस्या आएगी, वो त्याग करेगी, सेक्रीफाइस करेगी, नहीं करेगी। तो इमोशनली अटैच नहीं हो यदि कर्क राशि वाले, तो सभी लोगों के लिए इनके लिए बेहतर रहता है, यह ऊंचाई तक जाते हैं। कुछ चीजें कर्क राशि के बारे में जो आप समझेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, कर्क राशि को जान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो मकड़ी है ना वो कब आगे जाएगी पीछे जाएगी आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, भैया वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है। इनकी जैसी संगति रहेगी, जैसे बचपन में आपने सुना भी होगा, आज भी सुना होगा, जैसी संगति वैसी रंगति, तो इनकी जैसी संगति रहेगी इनकी वैसी ही रंगति होगी। ठीक है, कर्क राशि वाले यदि हार्ड वर्कर रहे तो इनके लिए बेहतर है, और खासकर कर्क राशि वाले बिजनेस में यदि जाते हैं तो ही इनके लिए बेहतर है। क्या आप लोगों में किसी की कर्क राशि है? अब हम आगे बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के कुछ गुण हैं जिसे आप लिख लेंगे, ठीक है। सिंह राशि, सिंह आप शेर को देखे हैं, शेर कैसे रहता है, वो राजा नहीं है तब भी राजा है, राजा के कोई गुण उसमें नहीं है तब भी वो राजा है, तो सिंह राशि ऐसा है। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत चीजों को समझना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि शनि कहाँ बैठा है, शनि मान लीजिए चौथे राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, तो उसे आप प्रेडिक्ट कैसे करोगे, आप उसे प्रेडिक्ट कैसे करोगे? यदि वो इमोशनल रहेगा, थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, लोगों की आवश्यकता में उनसे जुड़ने वाला रहेगा, तो वो प्रगति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कर्क राशि जो उसे कह रही है वो शनि जो वो कर्म कर रहा है, इसीलिए वह बेहतर रहेगा उसके लिए। जैसे मैंने वृषभ की बात की, वृषभ में यदि शनि पहुंच जाए, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, वृषभ में यदि शनि पहुंच जाए तो वो क्या होगा, यदि वह हार्ड वर्क करेगा तो बहुत ऊंचाई को पहुंचेगा, ठीक है, यदि वह कंटिन्यू काम करेगा तो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं हमारे आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होती हैं, इसलिए इन्हें समझने का प्रयास अवश्य आप करें। सिंह राशि क्या है, यह एक चमत्कार कैसे काम करता है, सिंह राशि वाले कब राजा बन जाएंगे उसकी कोई जान ये पता नहीं, क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे गुण होते हैं, या बचपन से ही हो है ना, चार बच्चों को साथ ले लेंगे, भैया हम तो राजा हैं। उसके बाद लीडरशिप नेचर होता है सिंह राशि वालों की, ठीक है, नेतृत्व प्रवृत्ति सिंह राशि वालों की होती है, लीडरशिप नेचर होता है, ठीक है। सिंह राशि वाले भावनाहीन होते हैं, इमोशन लेस होते हैं। क्यों होते हैं भावनाहीन? क्योंकि सिंह राशि ही यदि शेर यदि भावनात्मक हो जाए जी, यदि यदि सिंह राशि भावनात्मक हो जाए तो उससे क्या होगा, वह ना तो शिकार कर पाएगा ना ही वो कुछ कर पाएगा, ठीक है, उसे थोड़ी समस्या भी देखने को मिलेगी। इसीलिए सिंह राशि वाले इमोशन लेस रहें तो बेहतर रहेगा, इमोशनल हो जाएंगे तो समस्या उनके लिए हो जाएगी, ठीक है। सिंह राशि वाले को उच्च पोजीशन में रहना आवश्यक है, ठीक है, कहीं भी रहें टॉप पोजीशन रहना आवश्यक है, और नहीं रहेंगे तो वो हो जाएंगे। मैं बताऊं यदि कहीं गार्ड भी सिंह राशि वाला आपको मिलेगा ना, तो वो सब में रहेगा कि लीडर सबका यह है, क्योंकि उसकी राशि सिंह है, सिंह राशि वाले में ऐसे गुण होते हैं। सिंह राशि वाले का नेचर ही लीडरशिप का होता है। सिंह राशि वाले की एक और गुण होती है, वह पहले प्लान बनाता है उसके बाद अटैच करता है, अर्थात पहले वह प्लान बना लेता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद फिर वो अटैच करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना?
सिंह राशि वालों में एक और अच्छी चीजें होती हैं, वह हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, शारीरिक जो फिजिकली वर्क है वह नहीं करना चाहता है। उसमें क्या होता है, वह ज्यादातर प्रयास करता है मेंटली वर्क करने का, मानसिक जितने कार्य हैं वह करना चाहता है, शारीरिक काम वह बिल्कुल नहीं करना चाहता है। फिजिकली वर्क उसे पसंद नहीं है, वह मेंटली ही काम करेगा। राजा कभी खुद कोई काम करता है नहीं, वो लोगों से कराता है। तो ऐसे गुण होते हैं सिंह राशि में। यदि मान लीजिए सिंह राशि में किसी का बुध बैठ जाए तो वो क्या करेगा, वो एक राजा के भांति अपने बिजनेस को मेंटेन करके चलेगा, अच्छे से करके चलेगा। किसी की मान लीजिए सिंह लग्न, अर्थात लग्न उसे हम कहते हैं जो वह व्यक्ति खुद होता है, किसी का सिंह लग्न हो जाए वो जब भी चलेगा तो बहुत तैयार होकर बहुत पाठ वाट से रहेगा, राजा के तह जीवन को जीना पसंद करेगा। जिसकी सिंह राशि भी है उसमें भी ये गुण होते हैं, ठीक है। सिंह राशि जिसकी होती है वो क्रिएटर होता है, कुछ न कुछ नई चीजों को बनाता है, ठीक है। हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, आप उनके बारे में पता कर लें, जिन्होंने बनाया है वो सिंह राशि से ही रिलेट करते हैं। सिंह राशि जो है वह जिम्मेदारी लेने वाला भी है, क्योंकि राजा के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रजा की जिम्मेदारी है, उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है, फिर जो सीमाएं हैं उसकी जिम्मेदारी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी होता है सिंह राशि वाला, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, इसे आप समझेंगे, ठीक है। जब शेर किसी व्यक्ति का भी शिकार करता हो, किसी व्यक्ति का, किसी पशु का, किसी का भी शिकार करता हो, तो वह भूल जाता है भैया मैं राजा भी हूँ। क्यों? क्योंकि राजा तो काम करेगा नहीं, इसलिए वह भूल जाता है कि मैं राजा भी हूँ। वो शिकार करता है, हिरण को खाता है, तो वहां क्या है, उसमें भावना नहीं है। यदि वो भावनात्मक हो जाएगा तो हिरण को मार ही नहीं पाएगा। जब शेर शिकार करता है तो यह भी भूल जाता है वह, भाई मुझे डूब कर, जैसे हम कहते हैं ना डूब कर काम करना, वह डूब कर शिकार करता है और खुद भूल जाता है मैं हूं या नहीं हूं। वो इस तरीके से दौड़ लगाता है हिरण के पीछे या किसी भी चीजों के पीछे, वह खुद भूल जाता है भाई मैं हूं या भी नहीं या मैं नहीं। शारीरिक काम कम करता है। फिर सिंह राशि से एक बातें और जुड़ती हैं। सिंह राशि जो है उसका मालिक या स्वामी स्वामी कौन है, हमारे सूर्यदेव हैं। सूर्य वंश में कौन हुए, हमारे राम जी हुए। तो सिंह राशि वालों के लिए एक चीज और होनी चाहिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस जो होता है वह सिंह राशि वालों को अवश्य होना चाहिए। यदि यह अपने बात से अडिग नहीं रहते हैं, अपनी बात को नहीं